मध्य प्रदेश का बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला, जिसे अभी तक आपने सुना, समझा और देखा होगा। हनी ट्रैप ने कई नेताओं, अफसरों और रसूखदार लोगों की नींद उड़ा कर रख दी है, लेकिन क्या है छत्तीसगढ़ कनेक्शन? नमस्कार, मैं अखिलेश जायसवाल और आप देख रहे हैं lalluram.com। मध्य प्रदेश का इंदौर ज़िला, दिन था 17 सितंबर। पुलिस 3 लड़कियों को इंदौर से गिरफ्तार करती है, उनके साथ एक ड्राइवर भी होता है, उसे भी गिरफ्तार करती है। फिर दूसरे दिन 2 और लड़कियों को भोपाल से गिरफ्तार करती है। लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे होते हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन 5 लड़कियों ने कुछ रसूखदार नेताओं, अफसरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती हैं और फिर उनकी अश्लील वीडियो अपने खुफिया कैमरे में कैद कर लेती हैं। ये वीडियो ऐसी कि यदि बाज़ार में आ जाएँ तो उनकी इज्जत जो है नीलाम हो जाए, यानी कि इज्जत तार तार हो जाए। इन 5 हसीनाओं ने 1-2 नहीं बल्कि 90 अश्लील वीडियो बनाए थे, जिसमें से 20 से अधिक वीडियो नेताओं, मंत्रियों और IAS IPS अफसरों की। सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग कांड की जांच के लिए बकायदा SIT बनाई गई, जो इन लड़कियों से हिरासत में पूछताछ भी कर रही है, जिसमें एक एक कर कई खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इसमें SIT प्रमुख को भी बदल दिया गया है। डी निवास वर्मा की जगह ADJ संजय समी को प्रमुख बनाया गया है। इस मामले की ATS भी जांच कर रही है। दरअसल इन महिलाओं ने इंदौर के एक इंजीनियर का सेक्स वीडियो बनाया और ब्लैकमेलिंग कर 3 करोड़ रुपए मांगे, जिसकी शिकायत इंजीनियर ने पुलिस से कर दी। पुलिस ने मामले की जांच की तो सेक्स रैकेट यानी हनी ट्रैप का खुलासा हुआ, जिसको ये 5 लड़कियाँ आरती दयाल, मोनिका दयाल, श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, परखा पूरे प्रदेश में सेक्स रैकेट चलाती थी। इन लड़कियों ने अब तक करीब 15 करोड़ रुपए नेताओं, अफसरों से वसूल चुकी। ये लड़कियां रसूखदार लोगों को अपने हुस्न की जाल में फंसाती थी। अब आपको बताते हैं हनी ट्रैप में छत्तीसगढ़ का क्या है कनेक्शन। दरअसल 2 पूर्व मंत्री, नेता और IAS अफसर का नाम चर्चा में है। ये वही लोग हैं जिनका इंदौर काफी आना जाना रहा है। बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप में नाम जिनके उछल रहे हैं, उनका जुड़ाव इंदौर से बराबर रहा है। मध्य प्रदेश के एक बेहद ताकतवर राष्ट्रीय नेताओं के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि इस पर अधिकृत तौर पर कहीं से कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इंदौर में इन पर जमकर बातचीत हो रही है। ब्लैकमेलिंग में गिरफ्तार की गई लड़कियों से पूछताछ में नए राज सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की मीडिया जगत की अंदरूनी रिपोर्ट कहती है कि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि इस पर अब आगे किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई शायद ही हो, क्योंकि इसमें कई सफ़ेद पोश बेनकाब हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नेता भी इस मामले के जद में आ चुके हैं। हालांकि SP पुलिस फिलहाल छत्तीसगढ़ आकर जाँच पड़ताल करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी तरह की कोई शिकायत छत्तीसगढ़ से आई और किसी एजेंट के बारे में पता चला तो मध्य प्रदेश पुलिस रायपुर भिलाई के कुछ ठिकानों पर दबिश दे सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मामले में यदि नाम आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का कहना है कि इसमें तत्कालीन सरकार के मंत्री और कई अधिकारी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी नाम सामने नहीं आया है। नाम आने के बाद जिस तरह मध्य प्रदेश में SIT गठित की गई है, ठीक वैसा ही छत्तीसगढ़ में SIT गठन कर जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए, चाहे फिर वो कोई भी हो। फिलहाल छत्तीसगढ़ से कनेक्शन होने की बात सामने आने के बाद राजनीति और अधिकारी जगत में जमकर चर्चा है। सभी अलग अलग तरह से अनुमान लगाकर यह जानने की कोशिश में है कि आखिर वो कौन 2 मंत्री, नेता और IAS अफसर हैं जिनका दखल मध्य प्रदेश में भी है, जो इस हनी ट्रैप के मकरजाल में फंसे हुए हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।